हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो प्रथम चैप्टर था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां, अंतर्राष्ट्रीय विकास, उसका प्रारंभ किया था। उसका प्रथम भाग आपको बताया था। आज द्वितीय भाग में मैं आपको बाकी के बिंदु इसमें बताती हूँ। स्टूडेंट्स, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, चूंकि मैंने अभी आपको बताया, कल जो आपको बताया था कि शीत युद्ध हो गया था दो ग्रुपों के बीच में, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो है, दोनों ग्रुपों के बीच में शीत युद्ध हुआ था। तो इन दोनों ग्रुपों में, चूंकि जो भी देश आजाद हो रहे थे वो इन दोनों ग्रुपों की लड़ाई के जैसे कहें कि शिकार बन रहे थे, इसलिए जो नव स्वतंत्र, जो नए नए देश स्वतंत्र हो रहे थे, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एशिया अफ्रीका के देश जो आजाद हो रहे थे और संप्रभु राज्यों की संख्या वृद्धि हो रही थी, तो ये जो देश आजाद हो रहे थे इन्होंने अपना एक नया अस्तित्व तलाशने के लिए, खुला आसमान तलाशने के लिए एक दूसरा जो ग्रुप था उसको बनाने की सोची और इन्होंने उसको नाम दिया गुटनिरपेक्ष आंदोलन। यानी किसी भी ग्रुप में वो शामिल नहीं होंगे और गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करेंगे। इसका विस्तार में आपको गुटनिरपेक्षता जो चैप्टर आपके कोर्स में है उसको जब मैं पढ़ाऊंगी आपको बताऊंगी कि दोनों ग्रुपों से अलग रह करके किस प्रकार से इन्होंने इस नीति का पालन करा और अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व इन्होंने लोगों को बता दिया, दुनिया को बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा महाशक्तियों की जो संख्या है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उसमें एकदम कमी आ गई। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारी महाशक्तियां थी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में केवल अमेरिका और सोवियत संघ, इस प्रकार से दो महाशक्तियां रह गई। इसके अलावा चूंकि दो महाशक्तियां रह गई थी, लेकिन स्थितियां धीरे धीरे बदलती हैं, तो अब एक बदलाव और आया कि द्विध्रुवीयता से बहुकेंद्रवाद की ओर जो है विश्व जाने लगा। यानी इन दो के अलावा और भी शक्तियां जो है वो शक्ति अर्जित करने लगी, परमाणु हथियार अर्जित करने लगी। जैसे चीन है, चीन ने 1964 में हथियार बना लिया, परमाणु अस्त्र, भारत ने भी बना लिया। अन्य देश जो है वो भी परमाणु अस्त्र प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। तो इस प्रकार से और भी शक्तियां जो हैं वो इस दिशा में जाने लगी कि विश्व में महाशक्तियों की श्रेणी में वो सामने आए और इनका जो दबदबा है सोवियत संघ और अमेरिका का, उस दबदबे को वो खत्म कर सकें। इसके अलावा तीसरा विश्व जो है उसका महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि जो भी अब चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया था, और संयुक्त राष्ट्र संघ बनने का मतलब क्या है कि वहां पर जो भी निर्णय होते थे विश्व में, जितनी लड़ाइयां हैं या जितने भी किसी प्रकार का कोई तनाव था और उसमें यदि कोई भी निर्णय होते थे तो वो निर्णय यूएनओ में जाते थे, यूएनओ में बहुमत से उनका फैसला होता था। बहुमत किसका होगा? बहुमत तो तीसरे दुनिया के राष्ट्रों का था, यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो है उनका। यहाँ पर हम जो पहला विश्व है वो अमेरिकी देशों को कहते हैं, दूसरा विश्व जो है वो सोवियत संघ के जो, यानी जो साम्यवादी देश है उनको कहते हैं, तीसरा विश्व हम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों को कहते हैं जो कि विकासशील देश हैं, और चौथा विश्व हम किसको कहते हैं, वो हम कहते हैं स्टूडेंट्स जो ओपेक कंट्रीज है, पेट्रोलियम कंट्रीज है उनको, जो कि काफी रिच है उनको हम कहते हैं। तो इस तरह से द्वितीय मतलब तीसरा विश्व जो है उसका प्रभाव बढ़ने लगा, क्योंकि संख्या में वही सबसे ज्यादा थे, तो जो भी फैसला होता था बहुमत से वो उनका होता था। एक पॉइंट मेरा रह गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हो गया था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही ये होने लगा था। वैसे मैं आपका विस्तार इसको फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं उसी में आपको बताऊंगी, संयुक्त राष्ट्र संघ जब आपको पढ़ाऊंगी। तो यूएनओ बन गया, और यूएनओ बनने से उसका जो है धीरे धीरे करके उसकी शक्ति भी बढ़ने लगी, सारे निर्णय उसमें होने लगे, तो तीसरे विश्व का प्रभाव उसमें बढ़ने लगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, उत्तर बनाम दक्षिण संघर्ष प्रारंभ हो गया, यानी उत्तर के देश यानी अमेरिका और सोवियत संघ, जो कि जिसको हम कहें यूरोप और अमेरिका के देश, जो कि बहुत पैसे वाले थे, ताकत वाले थे, अमीर देश थे, जिन्होंने हमारे जैसे विकासशील देशों का धीरे धीरे करके शोषण किया था, वो वाले देश, तो उत्तर के देश और दक्षिण के देश, दक्षिण के देश यानी तीसरे विश्व के देश, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश, तो ये आप मांग करने लगे कि हमें अब वो पैसा, शक्ति जो तुमने हमसे धीरे धीरे करके लूटी है वो हमें वापस चाहिए। तो इस तरह से उत्तर बनाम दक्षिण का संघर्ष प्रारंभ हो गया, और
ये संघर्ष वर्तमान तक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रूप में भी हमारे सामने वर्तमान में भी आ रहा है, और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका भी महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसकी भूमिका बढ़ने लगी, उसकी सदस्य संख्या बढ़ गई। कहां वो 51 राष्ट्र से प्रारंभ हुआ और कहां उसमें 193 सदस्य जो है उसमें आ गए। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्टूडेंट्स काफी सारे बदलाव आए दुनिया में, और उन बदलावों को हम धीरे धीरे करके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगले चैप्टर में फिर मैं आपको, यानी जो मेरा तीसरा लेक्चर होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, फिर मैं आपको इसका अगला चैप्टर लूंगी, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, जो कि इस पूरी घटनाक्रम को, जो कहें हम 35 साल का घटनाक्रम अपने आप में समेटे हुए है। तब तक के लिए बाय।